मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैज सिक्योर्ड 201 वोट्स। तैंतीसवें वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब कल ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की उम्र यूब 92 वोट हासिल कर सके। JUI की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब का बायकॉट। अख्तर मेंगल ने वज़ीर-ए-आज़म के लिए किसी को वोट नहीं दिया, ऐवान में बैठे रहे। अरकान असेंबली के शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने तमाम इत्तेहादियों की नशिस्त पर जाकर मुसाफा किया। शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, स्पीकर डाइस के सामने शदीद एहतजाज, लीगी अरकान के घड़ी चोर और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अरकान के वोट चोर के नारे। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ कर वज़ीर-ए-आज़म पर फेंक दी। बानी पीटीआई के हक में नारे लगाए। वोटिंग के दौरान भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का ऐवान में शदीद एहतजाज। स्पीकर के डाइस के सामने बानी पीटीआई के पोस्टर उठाकर एहतजाज और नारेबाजी की। लीगी रहनुमाओं ने ऐवान में घड़ियां लहरा दी। नौमंतब रुकन असेंबली जाम कमाल ने हलफ उठा लिया। कौमी असेंबली का इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी। बजट के इस दौरानिए में जो कुल महसूलात का अंदाजा है वो 12,300 अरब रुपए सूबों को NFC अवार्ड की तहत तकसीम के बाद जो 7,300 अरब बचते हैं उसमें सूद की अदायगी 8,000 अरब है। 700 अरब रुपए का खसारा डे वन से हो तो फिर तरक्याती मंसूबों का पैसा कहाँ से आएगा? अफाजे पाकिस्तान की तनख्वाहें कहाँ से देंगी? सरकारी अफसरान जो वफाक में हैं उनकी तनख्वाहें कहाँ से देंगे? दुखी दिल के साथ कह रहा हूँ कि ये सब कुछ कर्ज दर कर्ज ले के दिया जा रहा है पिछले कई साल से, और ये है वो सबसे बड़ा चैलेंज जो आज पूरी पाकिस्तानी कौम 25 करोड़ आवाम का सबसे बड़ा आज ये संगीन मसला है। जिस ऐवान में बैठे हैं इसकी कार्रवाई के खर्चात भी कर्ज से अदा किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म का पहले ही तकरीर में पाकिस्तान को दरपेश हमालिया जैसे मसाइल का जिक्र। शहबाज शरीफ ने बिजली के नरखों में होशुबा इजाफा बड़ा चैलेंज करार दे दिया। बिजली पर गर्दिशी कर्जा 2300 अरब रुपये हो चुका। 3800 अरब की बिजली तरसील की जाती है, 2800 अरब वसूली होती है। बिजली की पैदावार और वसूली में 1000 अरब रुपये का खसारा है। मुल्क में 500 से 600 अरब रुपये की बिजली चोरी होती है। बिजली चोरी और टैक्स चोरी जिंदगी और मौत का मसला है। मुल्क में गैस का गर्दिशी कर्जा 2900 अरब रुपये तक पहुँच चुका है। इसकी वजह महंगी LNG है, गैस की तकसीम का निज़ाम और गैस चोरी है। मुल्क को सबसे बड़ा चैलेंज मैशत की खस्ता हाली है। बजट में कुल महसूलात का हजम 12,300 अरब है। NFC की सूबों को अदायगी के बाद 7300 अरब बचते हैं। इसमें सूद की अदायगी 8,000 अरब रुपये है। हम आज तक 80,000 अरब के बैरूनी और अंदरूनी कर्जे ले चुके हैं। 7,000 अरब रुपये का खसारा पहले दिन से है। इदारों में 600 अरब रुपये खसारा है। इन हालात में तरक्याती कामों के लिए फंड मुख्तस करना तो दूर की बात। अफवाज पाकिस्तान और वफाक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करना भी नामुमकिन है। मुल्क कई दहाइयों से कर्ज दर कर्ज लेकर अखराजात चला रहा है। ऐवान की कार्रवाई भी कर्ज की रकम से चल रही है। यही बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आज़म का कौमी असेंबली में खिताब। खाद पर सब्सिडी फैक्ट्री की बजाय किसानों को मिलेगी, वज़ीर आज़म का ऐलान। बीज माफिया का हमेशा के लिए खात्मा कर देंगे। छोटे किसानों के लिए सोलर ट्यूबवेल प्रोग्राम लाएंगे। तमाम सूबों से मिलकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मुतारिफ कराएंगे। दोस्त ममालिक में इजाफा करेंगे। पाकिस्तान को वीज़ा फ्री मुल्क बनाएंगे। खारजा पॉलिसी में किसी ग्रेट गेम का हिस्सा नहीं होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पार्लियामेंट से खिताब। होनहार तलबा को बैरून ममालिक यूनिवर्सिटीज़ में वज़ाइफ देने का ऐलान।
हमारे पास बेपना सलाहियतें मौजूद हैं। अगर हम मिलके फैसला कर लेंगे कि हमने पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है तो खुदाए बुजुर्गो बरतर को गवाह बनाकर मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह हम इस हमालिया नुमा चैलेंजेस को, हम इस समंदर से गहरे चैलेंजेस को मिलकर इंशाल्लाह इसको अबूर करेंगे। वज़ीर आज़म की अपोजिशन को मिसाक़े मिशरत और मिसाक़े मुफ़ाहमत की दावत। पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए सबको मिलकर फैसला करना है, बदले की सियासत का नहीं सोचा, पाकिस्तान को इसका सही मकाम दिलाएंगे। ये काम मुश्किल ज़रूर है मगर नामुमकिन नहीं। नवाज शरीफ की हुकूमत का 3 बार तख्ता उल्टा गया, सुराखों के पीछे भेजा गया, जिला वतनी पर मजबूर किया गया, तरक्की और खुशहाली के मीनार तामीर करने की सजा दी गई। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने मुजालिम के बावजूद मुल्क के मफाद को ठेस पहुँचाने का नहीं सोचा। बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई तो आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। जब उनकी बारी आई तो उन्होंने ना सिर्फ पूरी अपोजिशन को सलाखों के पीछे डाल दिया बल्कि पाकिस्तान और अफवाज के खिलाफ भी जहर उगला। सानहा 9 मई के जख्म ताज़ा हैं, मुजरिम हर सूरत कानून का सामना करेंगे, जो लोग जुर्म में शामिल नहीं उन्हें ठेस नहीं पहुँचेगी। धांधली की शिकायत के लिए कानूनी फॉरम्स मौजूद हैं। IMF को खत लिखने की क्या जरूरत है? आपको अपने इदारों की बजाय अगयात पर एतमाद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पार्लियामेंट में खिताब। अरब रुपए की सब्सिडी देने के बावजूद तकरीबन साल का 500 से 600 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। 500 से 600 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। मैं घड़ी की चोरी की बात नहीं कर रहा, बिजली की चोरी की बात कर रहा हूँ। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म का तकरीर में अपोजिशन को घड़ी चोरी का बिताना। 1000 अरब रुपए की सब्सिडी देने के बावजूद सालाना 600 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। मैं घड़ी चोरी की बात नहीं कर रहा, बिजली चोरी की बात कर रहा हूँ। ऐवान में शोर की बजाय शऊर का राज होना चाहिए था, शहबाज शरीफ का तंज। वज़ीर आज़म की कौमी असम्बली में तकरीर के दौरान जुबान फिसल गई, खुद को अपोजिशन लीडर बोल गए। शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपने वोटों और अपनी मोहब्बत से मुझे आज इस ऐवान का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब किया। शहबाज शरीफ ने बात की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, पता नहीं किस किस चीज की। ओ भाई, पहले तो रूल ऑफ लॉ की बात करो। रूल ऑफ लॉ तो तुम लोगों ने लाया ही नहीं। पहली चीज रूल ऑफ लॉ की इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट में। उमर अयूब का तहरीक इंसाफ के सियासी कैदियों को रिहा करने का मुतालबा। सनहा 9 मई पर गैर जानबदाराना अदालती इंक्वायरी कराई जाए। मुल्क में जमहूरियत के हामी हैं, आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। यहाँ साइफर की बहुत बात होती है, साइफर केस में बानी पीटीआई का क्या किरदार? साइफर चोरी का ब्यूरोक्रेट से मालूम करें, साइफर की हिफाजत ब्यूरोक्रेट की जिम्मेदारी है। अब एक मुल्क और दो दस्तूर नहीं चल सकते। ANP ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराया मगर उन्हें निशान मिल गया, हमसे हमारा इंतखाबी निशान ले लिया गया, हमें इलेक्शन में इंतखाबी मुहिम नहीं चलाने दी गई, हमारे कारकुन जाग गए और हम शिद्दत से वापस आए, अगले इलेक्शन में हम आपको दिन में तारे दिखाएंगे। उमर अयूब का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल।
पाकिस्तानियों को खादिम मिल गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की आवाम को भी मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर शहबाज शरीफ के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ओहदे पर शहबाज शरीफ का इंतखाब हकीकी जमहूरियत की फतह है। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान में खिदमत के नए दौर का आगाज होगा। नवाज शरीफ के सपाही शहबाज शरीफ का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होना खुशहाली और तरक्की की नवीद लेकर आएगा। शहबाज शरीफ की स्पीड, मेहनत, कारकर्दगी और ईमानदारी की दुनिया मोतरफ है। शहबाज शरीफ का माजी गवाह है कि वो मेहनत, कारकर्दगी और मेरिट पर यकीन रखते हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का बयान। चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म की शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की नई मंजिलें तय करेगा। उम्मीद है पाकिस्तान मज़ीद ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल करने में कामयाब होगा। चीन और पाकिस्तान अपने रिवायती दोस्ताना ताल्लुकात को जारी रखेंगे। तमाम शोबों में तबादलों और तआवुन को मजबूत बनाना होगा। मुश्तरका तौर पर चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी का अपग्रेडेड वर्जन तामीर करना होगा। चीनी सदर शी जिनपिंग का पैगाम। ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान की भी शहबाज शरीफ को वजीर आजम मुंतखब होने पर मुबारकबाद। आज फिर ये जो 9 मई वाले हैं ये पार्लियामान में पहुंच गए हैं। पहले पार्लियामेंट पे हमला बाहर से किया था, पीटीवी पर हमला बाहर से किया था, आज पार्लियामान के अंदर आकर पार्लियामान पर हमला आवर है। और जो हंगामा, जो बदतमीजी एहतजाज का तरीका पूरी दुनिया में होता है, पूरी दुनिया में पार्लियामान का एहतजाज का तरीका होता है गालम गलोच, गंदी गुफ्तगू, बद तहजीबी, बदतमीजी। और वो क्यों? क्योंकि तकलीफ आज भी ये है कि कहीं मुल्क तरक्की ना कर जाए। आज 9 मई वालों ने पार्लियामान के अंदर से पार्लियामान पर हमला किया। 9 मई वाली जहलियत वाले बदले हैं ना बदलेंगे। हमने शहदा के मुजस्मों को ठोकरे नहीं मारी। ये जितनी मर्जी बदतमीजी और हंगामा आरई कर ले, हम अपना काम जारी रखेंगे। पीटीआई वाले यूं ही शोर करेंगे। क्या खैबर पख्तूनख्वा में धांधली नहीं हुई जहां वो जीते हैं? मुल्क में सियासी मौशी इस्तेहकाम आना इन्हें बर्दाश्त नहीं होता। पीटीआई दौर में सी पैक पर काम को रोका गया। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को श्रीलंका बनने और डिफॉल्ट होने से बचाया। शहबाज शरीफ के दौर में तरक्की का सफर फिर से शुरू होगा। मरियम नवाज ने पार्लियामेंट में गालम गलोच में एक लीडर के पास जाकर इकट्ठे मिलकर मुल्क के लिए काम करने की दावत दी। नू लीग मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगु। ये पार्लियामेंट जिस वक्त हम देख रहे हैं ये आवाम के नुमाइंदा नहीं, धांधली की पैदावार एक पार्लियामेंट है जिसमें कुछ लोग अपने आप को हुक्मरान कहलाएंगे और कौम के दिलों पर वो हुकूमत नहीं कर सकेंगे। और फिर मज़ीद हम पूरे मुल्क में तहरीक चलाने का एक लायहा भी बनाएंगे। भरपूर तहरीक होगी, वो मुल्क की सियासत को तब्दील करेगी। 2024 के इलेक्शन में धांधली का 2018 का रिकॉर्ड भी टूट गया। ये पार्लियामेंट आवाम की नुमाइंदा नहीं, धांधली की पैदावार है। हमने तहफ़ुज़ात के साथ पार्लियामेंट जाने का फैसला किया। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है, पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो रही है। कुछ लोग अपने आप को हुक्मरान कह रहे हैं, ये कौम के दिलों पर हुकूमत नहीं कर सकेंगे। सिंध और बलूचिस्तान की असेंबली खरीदी गई। ग्रैंड अलायंस के हवाले से अभी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आसिफ अली सरदारी या महमूद खान अचकज़ई, मुल्क का नया सदर कौन होगा? सदर ममलिकत के लिए इंतखाबी मैदान 9 मार्च को सजेगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 9 मार्च को तलब कर लिया। सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदारती उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी कल होगी। 5 मार्च को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। सदर के इंतखाब के लिए सैनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों में बैक वक्त पोलिंग होगी। वोटिंग का अमल सुबह 10 से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। सदर ममलिकत की दौड़ में कई आज़ाद उम्मीदवार भी शामिल। वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रजा गिलानी का सेनेट इलेक्शन लड़ने का फैसला। कागजात नामजदगी जमा करा दिए। यूसुफ रजा गिलानी 14 मार्च को होने वाले सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे।
पीपल्स पार्टी ने सिंध से खाली सेनेट की दो नशिस्तों के लिए सैफुल्ला दारिजो और असलम अबड़ो को नामजद कर दिया। दोनों रहनुमाओं ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सूबाई इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को कल 11 बजे स्क्रूटनी के लिए तलब कर लिया। आसिफ अली जरदारी ही सदर पाकिस्तान बनेंगे। वफाकी काबीना में पीपल्स पार्टी हिस्सादार नहीं बनेगी। सिंध में बाख्तियार बल्दियाती हुकूमतें मौजूद हैं। पंजाब में तो लोकल गवर्नमेंट मौजूद ही नहीं। MQM और नून लीग के माहदे का इल्म नहीं। वज़ीर आला मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगु। बैरिस्टर गौहर बिला मुकाबला तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मुंतखब। पीटीआई ने इंटर पार्टी इलेक्शन के नताइज का ऐलान कर दिया। उमर अयूब को बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब किया गया। अली अमीन गंडापुर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर मुंतखब। अकबर एस बाबर समेत किसी और नए कागजात जमा नहीं कराए। चेयरमैन के लिए 4 दरख्वास्तें मिली थी। स्क्रूटनी के बाद 3 को मंजूर किया गया। तर्जमान पीटीआई रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों और शदीद बर्फबारी से तबाही। लंडी कोटल में मकान की छत गिर गई। खवातीन और बच्चों समेत 6 अफराद जान से गए। मुख्तलिफ हादसात में मरने वालों की तादाद 27 हो गई। 38 अफराद जख्मी। मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जेर इलाज। 129 घरों को जुजवी, 33 घरों को मुकम्मल नुकसान पहुँचा। PDM में रिपोर्ट जारी। कुरक, लंडी कोटल, वादिय तीरा में बर्फबारी का सिलसिला जारी। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। राबता सड़कें ब्लॉक होने से आमदोरफ्त में मुश्किल। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी से लैंडस्लाइडिंग। वादिये लीपा के और बलाई नीलम काईगिला सदन गली की शराहें बदस्तूर बंद। नदी नालों में तुखियानी आ गई। वादिये नीलम में बर्फबारी रुकने पर सड़कें खोलने का अमल जारी। पाक फौज ने कालाम और बहरीन को मिलाने वाली शाहराह पर बर्फ में फंसे सयाहों को रेस्क्यू कर लिया। कालाम से पिशमल तक सड़क ट्रैफिक के लिए बहाल। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबे में बारिशों से जानी और माली नुकसान पर मुआवजों का ऐलान। जमहक अफराद के वरसा को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। शदीद जख्मियों को 3-3 लाख, मामूली जख्मियों को 50-50 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। मुसीबत की इस घड़ी में मुतासरीन के साथ हैं अली अमीन गंडापुर। बारिशों से शदीद मुतासर गवादर से पानी की मुकम्मल निकासी ना हो सकी। मुतादिद इलाकों में ताहाल बारिश का पानी मौजूद। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। आर्मी का मुतासरा इलाकों में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। कोर कमांडर बलूचिस्तान का गवादर के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात की। लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम की इस्माची और इलाकई अमायदीन से भी मुलाकात। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पाक फौज ने क्वेटा से 17 बड़े और छोटे नौयत के वाटर पम्प गवादर पहुँचा दिए। पाक फौज कुदरती आफत में सैलाब मुतासरीन की बरवक्त इमदाद और बहाली को यकीनी बनाएगी। कोर कमांडर बलूचिस्तान की गुफ्तगु। तूफानी बारिशों से तबाही। वज़ीर आला बलोचिस्तान से सरफराज भुट्टी का गवादर का दौरा। बारिशों से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया। तूफानी बारिशों और सैलाब से मुतासर खानदानों से मुलाकात। मुतासरीन में इमदादी अशिया भी तकसीम की गई। कल तक गवादर शहर से पानी के निकास का अमल मुकम्मल हो जाएगा। मुतासरीन की बहाली तक उन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे। लॉ एंड ऑर्डर बलोचिस्तान में चैलेंज है। हम पहाड़ों पर जाने वालों को वापसी की दावत देते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान की मीडिया से गुफ्तगु। पहाड़ों से वापस आने वालों के लिए आम माफी का ऐलान। सरफराज भुट्टी की मजार कायद पर भी हाजिरी। फूल चढ़ाए और फातेहानी की।